चलिए, तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने देखा कि हम लोग मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक कैसे यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। ट्राई कैच और देन मल्टीपल ट्राई कैच हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में एक और पॉइंट आपको जरूर यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपना कोई भी प्रोग्राम बनाया जिसमें कोई भी ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं किया। अगर आप कोई भी ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट ट्राई कैच हैंडलर आपके प्रोग्राम में होता है और वो जेवीएम लगा देता है। जेवीएम जो डिफॉल्ट ट्राई कैच हैंडलर लगाता है उस पर्टिकुलर हैंडलर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो आपके प्रोग्राम को, मतलब प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को मेंटेन कर पाए। लेकिन डिफॉल्ट ट्राई कैच हैंडलर होता है जब हम नहीं लगाते हैं तब, और उसका बस यही पर्पस होता है कि एक्सेप्शन जो भी आ रहा है प्रोग्राम में वो हमें प्रिंट करके दिखा दे, बस यही पर्पस होता है। तो एक तो पॉइंट ये है जो मुझे आपको बताना था। अगला पॉइंट ये है कि जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक यूज करा, अब हम मल्टीपल ट्राई कैच के अलावा हम नेक्स्टेड ट्राई कैच ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्टेड ट्राई कैच, सो नेक्स्टेड ट्राई कैच ब्लॉक कैसे वर्क करता है, क्या इसकी कहानी होती है, या नेक्स्टेड ट्राई किसे बोलते हैं। तो ट्राई के अंदर ट्राई जो होता है वो कहलाता है नेक्स्टेड ट्राई। तो यहां से हम न्यू करके एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और नाम ही दे देते हैं नेक्स्टेड, नेस्टेड ट्राई कैच। ठीक है, देखिए नेक्स्टेड ट्राई कैच का क्या मतलब है कि हमारे पास एक ट्राई ब्लॉक है और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर, मतलब इस ट्राई ब्लॉक का मैंने यहाँ पे कैच ब्लॉक लगा लिया। यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लेते हैं, एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को, एंड देन हमने इस ट्राई के अंदर फर्दर ट्राई कैच लगा लिया। इस ट्राई के अंदर फर्दर ट्राई, मतलब जब ट्राई के अंदर ट्राई और फिर ट्राई कैच, ऐसे बहुत सारे ट्राई कैच होते जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेक्स्टेड ट्राई कैच। अच्छा, ये सारा चीज़ मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट ट्राई। सनी कल कुछ पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस करना, फिर आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछना। प्रॉब्लम आई थी कुछ? आवाज आ रही है सनी? कहाँ से आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ सनी नहीं है क्या? सनी भी लेफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, का क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेरी नहीं होगी तो। मतलब ट्राई के अंदर ट्राई कैच, फिर ट्राई कैच, ऐसे हम बहुत सारे ट्राई कैच लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं नेक्स्टेड ट्राई कैच। अच्छा, जब नेक्स्टेड ट्राई कैच हम यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना होता, ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके इस ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आ गई, यहाँ पे आ गया 10 डिवाइड बाई 0, हमने कर दिया, यहाँ एक्सेप्शन आ गई। तो अगर मान लीजिए इस ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गई और इसके नीचे कोई एसओपी है जहाँ पे लिखा है आउटर, फिर उसके अंदर एसओपी है ट्राई के अंदर जिसके अंदर लिखा है try1। ठीक है, try1, देन यहाँ पे है try2,
इसी तरह से मान लीजिए बहुत सारे ट्राई हैं, कैच है, लगाए गए हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्सेप्शन यहाँ पे आई है टॉप ऑफ द ट्राई में, तो क्या होगा? तो सीधे कर्सर चला जाएगा इसके करेस्पॉन्डिंग कैच में, समझ रहे हो ना, और बाकी सारी बेकार हो गई, है ना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप बल्कि लिख सकते हो, डबल कोड के अंदर ऐसे लिख दीजिए, पेरेंट पेरेंट कैच, समझ आ रहा है? तो अगर आप नेक्स्ट ट्राई यूज कर रहे हो, यानी कि ट्राई के अंदर ट्राई फिर ट्राई यूज कर रहे हो, तो ये चीज आपको ध्यान रहे कि अगर ऊपर वाले ट्राई में एक्सेप्शन आ गया तो अंदर वो कभी नहीं आने वाला है, वो सीधे अपने इस कैच में जाएगा। और आप अभी देख सकते हो कि ये पेरेंट कैच, पेरेंट कैच मैसेज नहीं आया, पेरेंट कैच ऐसा क्यों भाई? और नीचे भी है क्या सर ये ट्राई? हाँ मेरे ख्याल से और भी है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ये वाला है, इसके नीचे भी है पेरेंट कैच, तो एक्चुअली ये है, ठीक है, तो ये पेरेंट कैच में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो बात आपको ध्यान रहे, अच्छा मान लीजिए यहाँ एक्सेप्शन नहीं आई, आउटर वाला पास हो गया, आप अंदर आ गए और अंदर किसी ट्राई में एक्सेप्शन आ गई, तो ये किस कैच ब्लॉक में जाएगा, अपने कैच ब्लॉक में या किसी दूसरे कैच ब्लॉक में? हाँ जी, ये अपने वाले कैच ब्लॉक में जाएगा या किसी और कैच ब्लॉक में जाएगा? अपने में, अपने वाले ही कैच ब्लॉक में जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो मगर अगर मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया और सीधे वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन में ही जाके हैंडल होगा, अपने ही कैच ब्लॉक में ही जाके हैंडल होगा वो। कहाँ चला गया ये है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, आउटर में गया सीधे अर्थमेटिक एक्सेप्शन में पहुंच गया और फिर ट्राई टू चला। मतलब कहने का यह है कि आउटर में अगर एक्सेप्शन नहीं आई, इनर में आई, इनर वाले ट्राई में एक्सेप्शन आया, तो इनर वाले ट्राई में आएगा तो अपने कैच में जाएगा वो, और फिर जब यहाँ कैच में हैंडल हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ कोड मैनेज हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे आ गया अर्थमेटिक और कैच है आपका कौन सा, नल पॉइंटर, तो इस केस में ये एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, क्या प्रोग्राम टर्मिनेट होगा या अपने आउटर वाले में जाएगा? ये अपने आउटर में जाएगा एक्चुअली, यानी कि अपने आउटर वाले कैच के अंदर जाएगा और देखेगा क्या वहां एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा गया है। तो ये नेक्स्ट ट्राई में बस ये एक रूल होता है कि अगर इनर वाले ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आता है तो अपने आउटर में, अगर वो सेम वाले कैच में एक्सेप्शन हैंडल नहीं होता है तो अपने आउटर वाले क्लास में जाके वो खोजेगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा गया है नहीं लिखा गया। तो देखो ये आउटर चला और यहाँ एक्सेप्शन आ गई, ट्राई वन में एक्सेप्शन आ गई, ट्राई वन का कोड नहीं चला, सीधे चला गया पेरेंट कैच में। मतलब आउटर इन द सेंस आप ये मत समझ लो कि यहाँ हैंडल नहीं हुआ तो फिर यहाँ आएगा, नहीं, ये तो कैच इसका है ना, ये अपने से आउटर यानी कि इस वाले में पेरेंट वाले में जाके हैंडल होगा यहाँ पे, जिसके अंदर से वो, जिसके लिए वो इनर है, इसके लिए तो एक अलग एक्सेप्शन ट्राई कैच है ये। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाई अगर ट्राई में एक्सेप्शन आई और करेस्पॉन्डिंग कैच नहीं मिला तो इन केस ऑफ नेक्स्टेड एक्सेप्शन, इन केस ऑफ नेक्स्टेड ट्राई कैच, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्टेड ट्राई कैच पढ़ रहे हैं। अच्छा यहां पे हमने सारा रूल रेगुलेशन लिख दिया है, बिल्कुल हमने सारा रूल रेगुलेशन रख दिया, लिख दिया यहाँ पे, जावा ट्राई ब्लॉक कंटेन दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वेयर एक्सेप्शन मे ऑकर्स, राइट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्टेड नेक्स्टेड ट्राई कैच, ट्राई कैच। तो नेक्स्टेड ट्राई कैच क्या होता है,
ये आप यहाँ पे इसके डेफिनेशन लिख सकते हो। अच्छा, कल और हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल ट्राई कैच, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सिंगल ट्राई कैच होता है, नेक्स्ट ट्राई कैच होता है, मल्टीपल ट्राई कैच होता है। ठीक है, सो व्हेन ट्राई कैच हैव इनसाइड अनदर ट्राई कैच, मतलब एक ट्राई कैच के अंदर जब दूसरा ट्राई कैच हमारे पास होता है तो उसको हम नेक्स्ट ट्राई कैच बोलते हैं। जब किसी ट्राई कैच के अंदर फर्दर ट्राई कैच होता है ना, तो उसको हम नेक्स्ट ट्राई कैच बोलते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का नोट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, क्या प्रोग्राम का फ्लो होता है, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन कैसे होती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन क्लासेस की पूरी हायरार्की भी है मेरे पे, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए 5 कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है, ट्राई कैच और फाइनली का ये एक सिंटैक्स है। ओके, मैं नेक्स्ट ट्राई जरा यहाँ पे देख रहा हूँ, मल्टीपल ट्राई कैच, तो सिंगल ट्राई ब्लैच ब्लॉक हैंडल, सिंगल ट्राई ब्लॉक कैन हैव मेनी कैच ब्लॉक व्हेन, अच्छा ये सब रूल मैंने नहीं लिखा था ना, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप भूले नहीं, मुझे तो याद ही है, ठीक है, कई बारी मुझे भी भूल सकता है। तो यहाँ पे ट्राई मस्ट बी फॉलोड बाय आदर कैच और फाइनली, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंगल ट्राई कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक, एक सिंगल ट्राई में मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकता है, एक सिंगल ट्राई में मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकता है, बट एट ए टाइम ओनली वन कैच ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। क्योंकि इसका क्या रीजन है, बिकॉज, लिखना चाहो तो यहीं पे लिख दो, बिकॉज बिकॉज इन अ सिंगल ट्राई ओनली वन एक्सेप्शन occur at a time। ठीक है, ये सब पॉइंट था, और कल क्या बताया था, सारा पॉइंट याद करके लिख देते हैं आपके लिए। When exception occur in try block, तो जब exception try block में आता है, then firstly JVM matches the its corresponding class in the exception hierarchy corresponding hierarchy corresponding exception hierarchy if it found the matching class then load the exception class
इसका हेडिंग डाल दो व्हाट हैपन व्हेन व्हेन एक्सेप्शन ऑकर। ठीक है, क्या होता है जब एक्सेप्शन ऑकर होता है तब, उसकी पूरी कहानी है। हाँ, देन एक्सेप्शन देन मैचेस द एक्सेप्शन क्लास देन पहला लोड द एक्सेप्शन क्लास। अब मैं इसे पॉइंट बना के लिख देता हूं इन चलो क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास ठीक है थ्रो द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट थ्रो द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इनटू करेस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक। ठीक है, इफ करेस्पॉन्डिंग कैच इज फाउंड देन एक्सेप्शन इज हैंडल्ड एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट ऑफ कैच ब्लॉक द रेस्ट ऑफ कोड या रेस्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम आर मेंटेन्ड maintained। ठीक है, थ्रो करेस्पॉन्डिंग कर इफ द एक्सेप्शन इफ करेस्पॉन्डिंग यहां पे लिखना है हमें corresponding catch is found then maintained if corresponding catch not found अगर corresponding catch नहीं मिलता है then JVM have या JVM put own handler own handler and rest of code not maintained and the rest of code and the normal flow of program is not maintained and the and the normal flow of program not has not maintained कितने ठीक ओके तो ये सारा चीज होता है। ठीक है, जो इसमें आपको थोड़ा बहुत सुधार लगेगा या बता दीजिए या आप कर लीजिएगा, मे बी मैं कुछ भूल जाऊं। जैसे बिना इनहेरिटेंस के कोई क्लास नहीं बनती है, वैसे ही ये नेस्टेड ही इनहेरिटेंस हम लोग करते हैं अगर लगाते हैं तो, क्योंकि JVM बाय डिफॉल्ट तो एक लगा के ही रखता है ना।
ऐसा कुछ नहीं होता है कि JVM हमेशा लगाता है, जब आप लगाओगे तब क्यों लगाएगा? नहीं, कंडीशन है ना, तब ये डिफॉल्ट हैंडलर तभी लगता है जब उसका आपको कैच, उसका खुद का कैच मतलब आपका करस्पॉन्डिंग कैच नहीं मिलता है, तब वो कैच लगाता है। सर जैसे अगर हम लोग उस कैच पे जैसे वो हैंडल किया हमने, ठीक है, उसके नीचे कोई एक्सेप्शन आ गई तब भी तो वो दिखाएगा ही ना ये भी। यार बात ये है कि किसी एक ट्राई की बात हो रही है, एक ट्राई की बात हो रही है, किसी कैच की बात हो रही है, किसी एक सिचुएशन की बात हो रही है। अब हमने अगर अपने ट्राई कैच कहीं पे किसी स्टेटमेंट के लिए लगा रखा है तो वहाँ पे ट्राई कैच JVM नहीं लगाएगा, ठीक है। और जहाँ पे नहीं लगा है, जहाँ पे एक्सेप्शन आएगी तो उसके लिए ट्राई कैच लगाएगा। वो तो सर पूरे कोड पे ही लगाता है ना ट्राई कैच। यार पूरे कोड पे क्यों लगाएगा? जहाँ एक्सेप्शन, हम एक्सेप्शन जहाँ आती है वहीं हमें ट्राई कैच लगाना चाहिए ना। नहीं नहीं, मैं JVM की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो JVM जब भी की मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं भी JVM की ही बात कर रहा हूँ। तो सर JVM को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एक्सेप्शन आने वाली है? वो रन टाइम पे लगाएगा। तो रन टाइम पे लगाएगा बिल्कुल। देखो ना, इसीलिए लिखा गया है कि अगर करस्पॉन्डिंग कैच नहीं मिला, मतलब जैसे सपोज करो कहीं एक्सेप्शन ऑकर हुआ, तो जब एक्सेप्शन ऑकर हुआ तो अपने आप वहीं रन टाइम पे लगा देगा तुरंत, तो डिफॉल्ट हैंडलर लगाएगा वो अपना। मैं अभी तक सोच रहा था वो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर लगाएगा। नहीं 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 नहीं, कंपाइलर नहीं लगाता है, कंपाइलर ही सब कुछ कर देगा, JVM करता है। मतलब जब एक्सेप्शन कहीं ऐसा ऑकर होता है जहां हम नहीं लगा रहे हैं ट्राई कैच, तब वो अपना डिफॉल्ट हैंडलर लगाता है, लेकिन वो नॉर्मल फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाता, तो इसीलिए हम अपना लगाते हैं ताकि वो नॉर्मल फ्लो मेंटेन हो जाए। बिटवीन बिटवीन ट्राई एंड कैच ओनली स्पेसेस आर allowed, not any statement, not any statement, कोई statement allowed नहीं है, try और catch के बीच में कोई statement allowed नहीं है, ये point है एक अलग से। statement मतलब? statement मतलब कोई भी line, कोई भी word, कोई भी sentence नहीं allowed है। सर कमेंट भी नहीं अलाउ है? कमेंट भी अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं अलाउ है, कमेंट भी अलाउड नहीं है। सर कमेंट का तो यूज नहीं होता, कमेंट लग सकता है मेरी। मैंने लगा के देखा नहीं, देख लेते हैं भाई। ये देखो कमेंट तो सर लग जाना चाहिए। लग जा रहा है कमेंट से क्या देख कर रहा है? लग जा रहा है, ठीक है, कमेंट लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन ट्राई एंड कैच ओनली स्पेसेस आर अलाउड, नॉट एनी स्टेटमेंट। चलो सर कमेंट। हाँ बोलिए सर, वो जो आपने नेस्टेड ट्राई कैच जो बताया, हाँ, उसमें जब वो नेस्टेड वाले ट्राई कैच में जब एक्सेप्शन नहीं आती है तो बाहर सीधे बाहर वाले ट्राई कैच को ही देखता है? ट्राई कैच को नहीं, ओनली कैच को देखता है। कैच को मतलब? हाँ, सीधे बाहर वाले कैच को, बाहर वाले कैच में जाता है अपने आउटर। लेकिन आप मल्टीपल वाला बताया, मल्टीपल ट्राई कैच बताया था, तो उसमें तो एक के बाद एक सारे उसको ट्राई कैच को देखता है ना, तो वहाँ अलग रूल है, यहाँ अलग रूल है। नेक्स्टेड के केस में अलग रूल है, मल्टीपल के केस में अलग रूल है। मल्टीपल मतलब सारे ट्राई कैच अपने अलग अलग काम करते हैं, ये नेक्स्टेड ट्राई कैच है, तो नेक्स्टेड ट्राई कैच के केस में अलग रूल हो जाता है। नेक्स्टेड के केस में रूल अलग बन जाता है। लेकिन सर हमने मतलब कोडिंग नेक्स्टेड में जो अंदर वाले जो फ्लो में आ रहा है, कोडिंग तो सेम ही है ना, मतलब हम वैसे सेपरेट तो लगा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर रूल चेंज ही हो जाएगा टोटली उसका। हाँ रूल चेंज हो रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ है, कंपाइलर JVM
तो देख रहा है ना कि वहाँ कहाँ नेस्टेड है, कहाँ नॉर्मल ट्राई कैच है, तो देख रहा है ना जी। तो कमेंट्स आर अलाउड, ठीक है, चलो भाई। और क्या है भाई, इफ एक्सेप्शन ऑकर एट इंट्राई देन इट डायरेक्टली गो टू कैच ब्लॉक, ठीक है। मीन्स इफ इन दिस ट्राई ब्लॉक सपोज वी हैव इन दिस ट्राई ब्लॉक सपोज वी हैव 10 स्टेटमेंट सपोज वी हैव 10 स्टेटमेंट्स एंड एक्सेप्शन ऑकर एट फर्स्ट लाइन या फर्स्ट स्टेटमेंट देन रिमेनिंग लाइन नॉट रीचेबल। तो जो रिमेनिंग लाइन है यानी कि जो 9 लाइन्स हैं वो रीचेबल नहीं है, 9 स्टेटमेंट है, ठीक है, वो नॉन रीचेबल है। रिमेनिंग, ठीक है, तो रिमेनिंग लाइन जो है वो रीचेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है जो मैंने यहां पे बता दिया आपको। मल्टीपल ट्राई कैच, हाँ मैं मल्टीपल ट्राई कैच के बारे में क्या बता रहा था, सिंगल ट्राई कैच है मल्टीपल। सो मल्टीपल ट्राई कैच क्या बोलोगे, मल्टीपल ट्राई कैच एक अलग स्टेटमेंट होता है। मल्टीपल ट्राई कैच मीन्स ट्राई कैच, समझ रहे हो, अलग ट्राई कैच, फिर ट्राई कैच, इस तरह से। अच्छा, ये मल्टीपल ट्राई कैच को बोलने का मतलब यहाँ एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ मल्टीपल ट्राई कैच बोल रहा हूँ मतलब बहुत सारे ट्राई कैच। जैसे यहाँ इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ट्राई लगाया, फिर कैच लगाया और फिर ट्राई लगाया, मैं इसे मल्टीपल ट्राई कैच बोल रहा हूँ। तो ऐसे फिर इस ट्राई का ट्राई मतलब कैच हो गया, फिर ट्राई और कैच हो गया, देन अगेन ट्राई एंड कैच। सो मतलब ट्राई कैच प्रोग्राम में जितना भी लिखो दैट इज मल्टीपल ट्राई कैच, ठीक है। मल्टीपल ट्राई कैच अगर आप बना रहे हो तो मल्टीपल ट्राई कैच के केस में हर ट्राई कैच अपना इंडिविजुअली वर्क करता है, इसका कोई ऐसे लेना देना नहीं है नेस्टेड से, इसका कोई लेना देना, नेस्टेड अलग कहानी है, मल्टीपल ट्राई कैच अलग ही कहानी, ठीक है। यहाँ पे सारे एक्सेप्शन एक साथ आ सकते हैं, अगर यहाँ एक्सेप्शन होगा तो अपने कैच में जाएगा, यहाँ होगा तो अपने कैच में, यहाँ होगा तो अपने कैच में, सब अपने अपने कैच के थ्रू ये एग्जीक्यूट होंगे। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्टेड ट्राई कैच, तो ट्राई स्टेटमेंट विद अनदर ट्राई। तो ये सब मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये सब और बस इसको नहीं, ये इतना यहाँ से ऐसे नोट्स के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, बस ट्राई स्टेटमेंट कैन बी इनसाइड अनदर ब्लॉक, अनदर ट्राई ब्लॉक, ए ट्राई स्टेटमेंट कैन बी इनसाइड अ ब्लॉक ऑफ अनदर ट्राई और सम टाइम। अच्छा, इसकी क्या जरूरत होती है, ट्राई के अंदर हम ट्राई क्यों लिखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर नेक्स्टेड ट्राई का यूज क्यों करते हैं, आप मेरे से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो। सर एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच क्यों लगाते हैं, इसका भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो।
मल्टीपल ट्राई कैसे क्यों लगाते हैं इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, नेस्टेड ट्राई क्यों लगाते हैं ये भी क्वेश्चन है। तो मैं सबका आंसर एक एक करके देता हूँ। देखिए, अगर एक ट्राई में एक्सेप्शन आई है ना, एक ट्राई में एक्सेप्शन आई, और क्या एक्सेप्शन है मुझे नहीं पता, मैं चाहता हूँ उस ट्राई में अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई तो कुछ और मैसेज प्रिंट हो, नल पॉइंटर आया तो कुछ और मैसेज प्रिंट हो, उसको मतलब अलग तरीके से हैंडल करा जाए, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया तो किसी और तरह से हैंडल करा जाए। तो हर एक्सेप्शन के आने से अगर अलग अलग मैसेजेस आप चाहते हो, अलग अलग तरह से उसका हैंडलिंग चाहते हो, तो यू कैन यूज द सिंगल ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक, ठीक है ना। और मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक कब, जब हमारे प्रोग्राम में अलग अलग इंडिविजुअल स्टेटमेंट में अलग अलग टाइप की एक्सेप्शन आती हो और हम चाहते हैं कि नहीं सब अपने अपने हिसाब से हैंडल हो, मतलब ये स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आई तो अपने हिसाब से हैंडल हो जाए, इसमें आए तो अपने हिसाब से हैंडल हो जाए, अगले में आए तो फिर मल्टीपल ट्राई कैच। और नेक्स्टेड ट्राई कैच का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इन स्टेटमेंट में मान लीजिए किसी और टाइप की एक्सेप्शन है और इसके पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट में किसी और टाइप की एक्सेप्शन है, मतलब पूरे स्टेटमेंट में किसी और टाइप की एक्सेप्शन है, उसके इतने स्टेटमेंट में किसी और टाइप की एक्सेप्शन है, तो जब इसमें एक्सेप्शन आए तो कोई और मैसेज आए और यहां पे स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आए तो कोई और मैसेज आए, तो इस केस में हम नेक्स्ट स्टेट, तो यहां पे लिखा हुआ देखिए, समटाइम्स कंडीशन मे अराइज व्हेन वेयर पार्ट ऑफ ब्लॉक मे कॉजेज वन एरर, मतलब पार्ट ऑफ ब्लॉक यानी कि ये हो गया मे कॉजेज वन एरर एंड इंटायर ब्लॉक मे कॉजेज अनदर एरर, यानी कि ये पूरा यहां से यहां तक का ब्लॉक, तो सो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट ट्राई। तो नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक आर यूज्ड इनर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड फर्स्ट का मतलब, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब जैसे मान लो कि ऊपर वाले ट्राई में एक्सेप्शन नहीं आई है ना, और मान लो कि यहाँ पे एक्सेप्शन आया तो ये वाले कैच में पहले हैंडल होगा, अगर यहां नहीं मिला तो फिर अपने आउटर में जाएगा, ये इसका मतलब है। तो ये इसको भी यहां पे लिखा गया है कि व्हेन एक्सेप्शन थ्रोज इन अ इनर ब्लॉक एंड कॉट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक, एक्सेप्शन थ्रोज इन ट्राई ब्लॉक इज कॉट टू द करेस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक, ठीक है। एंड इफ मैचिंग कैच ब्लॉक इज नॉट फाउंड सो द कैच ब्लॉक ऑफ आउटर इज लाइक एग्जामिंग द अनटिल नेक्स्ट ट्राई स्टेटमेंट इज एग्जॉस्टेड, मतलब कहने का यह है कि मतलब अपने वाले कैच में अगर हैंडल नहीं हुआ तो वो कैच तो और भी तो हो सकता है, जैसे एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच होते हैं ना, जैसे ये ट्राई हो गया, ट्राई के बाद ये लास्ट वाला कैच हो गया, अब एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच भी तो हो सकते हैं, जैसे मान लो कि ये एक कैच लगाया फिर कैच लगाया, ऐसे मैं एक कैच और लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थमेटिक है ना, और फिर और ऐसे कुछ लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थमेटिक, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि समझिएगा, तो जैसे मान लीजिए यहां पे आया एक्सेप्शन अर्थमेटिक और यहां हैंडल करने वाला स्टेटमेंट था कैच, क्या था कैच वाला, क्या था ये था हमारा नल पॉइंटर, तो एक्सेप्शन यहां हैंडल नहीं हुआ तो अपने आउटर में जाएगा, आउटर में किस में जाएगा, पहले इसमें जाएगा इस वाले कैच में, और फिर इसी तरह से जाता जाएगा जब तक जाएगा, जब तक वो लास्ट स्टेटमेंट में नहीं पहुंच जाएगा जहां हैंडल ना हो जाए, या जहां हैंडल हो जाएगा वहीं रुक जाएगा। तो अब आप देखोगे पेरेंट में हैंडल नहीं होगा, अर्थमेटिक में हैंडल हुआ, ये समझ रहे हो ना, क्योंकि एक ट्रैक से मल्टीपल कैच भी तो हो सकते हैं, तो वही चीज लिखा हुआ है कि ये तब तक जाएगा जब तक एग्जॉस्टेड नहीं हो जाएगा। ओके एंड ये सब कर लेना, ठीक है। इफ नो मैचिंग ब्लॉक आर फाउंड तो JVM अब क्या करेगा, रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए वही डिफॉल्ट हैंडलर लगाएगा, उसके बाद वो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, बाकी तो आप समझदार हो। तो इस तरह से ट्राई कैच की पूरी कहानी इंड हो गई। ट्राई कैच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, चाहे आप मल्टीपल ट्राई करो, ट्राई नेस्टेड ट्राई करो, मल्टीपल ट्राई करो, और बल्कि एक और हेडिंग डाल दो, सिंगल ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक, ठीक है। एक सिंगल ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकता है, सिंगल ट्राई विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक, उसको कैसे बनाओगे, उसको बनाने के लिए बस मैं बताता हूं, यह है ना, ये बस
ये यहाँ से, तो ये रेफरेंस के लिए रहेगा जब आप कहीं भी चले जाओगे, है मतलब जैसे मान लो बुड्ढे भी हो जाएगा तब भी ये पड़ा रहेगा आपके पास रेफरेंस के लिए। बस इसको गूगल ड्राइव में अपना शेयर करके रखे रहना। ओके, और इसके रूल अब बताइए भाई, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम ट्राई कैच को लेके अगर है तो क्लियर कर लीजिए, आज नहीं क्लियर होगा तो कभी नहीं क्लियर होगा, क्योंकि ट्राई कैच की कहानी खत्म हो गई। ट्राई कैच, सिंगल ट्राई, मल्टीपल कैच, नेक्स्ट ट्राई, मल्टीपल ट्राई कैच। सनी जो कल मैंने बोला था वो क्वेश्चन आप कह रहे थे करेंगे प्रैक्टिस, तो पूछा आपने, देखा आपने है क्वेश्चन कुछ बनता है या नहीं बना या नहीं क्लियर कर पाया? बना नहीं पाया मैं, कल बताता हूँ। ओके, इंतजार करेंगे हम आपका। सर ये नेस्टेड वाला जो आपने बताया है, हाँ मतलब एक ट्राई लगाया उसके अंदर फिर हमने नेस्टेड लगाया, हाँ और उसके आउटर में हम जितने भी कैच दे देंगे, हाँ तो अगर इनसाइड वाले में अगर आती है, हाँ तो वो पहले वाले इनसाइड वाले में अगर आती है तो अपना ही खोजेगा वो, जैसे मान लो यहाँ आया एरर तो ये अपने वाले ही कैच को खोजेगा, अगर यहाँ नहीं मिला तो अपने से आउटर वाले कैच को जाएगा यहाँ पे, आपने कहा यहाँ क्यों नहीं आया, है ना क्वेश्चन, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये इसका अपना ट्राई कैच है ना, मतलब देखो ये ट्राई कैच है ये किसके लिए इनर है, पहले ये पॉइंट हमारा रखिए, क्या इन दोनों के लिए इनर है ये, इन दोनों के लिए इनर है ये, नहीं इनर नहीं, मतलब ये तो सेपरेट ही है, तो वो सेपरेट ही है ना, इसलिए ये इसके लिए इनर है, तो इसीलिए वो अपने इस वाले कैच के अंदर जाएगा और उस वाले कैच में जाएगा जिसमें हैंडल हो जाएगा, तो वन बाई वन ऊपर से नीचे आता रहेगा और तब तक जाएगा जब तक वो लास्ट में ना पहुंच जाए, जब लास्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा तो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो मेंटेन नहीं होगा, फिर वो डिफॉल्ट हैंडलर से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और सर सपोज फर्स्ट वाले में आगे सबसे स्टार्टिंग वाले में जो स्टार्टिंग हुआ जहां से ट्राई सीधे यहाँ आएगा, तो सीधे यहाँ आएगा, अगर टॉप में ही आ गया और उसके कैच हमारे बहुत सारे लगे हुए हैं आउटर वाले, तो वो फिर वो वही कंडीशन हो गई, सिंगल ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक, वो वही कंडीशन हो गई, तो अच्छा वो फिर अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर के सारे कैचेस देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देख लो ना आप, यहाँ पे यहीं पे मैं ला देता हूँ एक्सेप्शन, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बाहर कैच ब्लॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे मैं लिख देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यही चला, यहाँ क्यों एक्सेप्शन है, अच्छा यहाँ पे भी एक्सेप्शन, देखो सीधे वहां चला गया अपने, ठीक है ठीक है, वो अंदर आएगा ही नहीं आएगा। और बताओ ठीक,